अस्सलाम असलम टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदी ये प्रोग्राम टीवी वी पर हकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है इसके लेसन पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक डॉट पी के पर के जी से बारहवीं जमात तक वीडियो और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन की और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास ट्वेल्थ में मौजूद है फेडरल और केपी के पी के बोर्ड में यह चैप्टर ट्वेंटी थ्री जो कि क्रोमोसोम एन डी एन ए के नाम से है जबकि पंजाब और बलोचिस्तान में ये चैप्टर ट्वेंटी सिंध बोर्ड में ये चैप्टर सिक्स क्रोमोजोम एन डी एन ए के नाम से है उसमें यह टॉपिक मौजूद है इन वीडियोज़ को सुनने के बाद आप क्लिनिक सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम के बारे में जान सकेंगे आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक डॉट पी के की वेबसाइट पर जा सकते हैं यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की नवीं से बारहवीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट को पुख्ता करके इम्तहान में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में म्यूटेशन क्या है म्यूटेशन जो है ये डीएनए सीक्वेंस के अंदर परमानेंट चेंज को कहा जाता है यानी कि परमानेंट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन अब अगर हम बात करें कि डीएनए सीक्वेंस जो है ये मौजूद कहाँ पे होता है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो उनका हैरिडिटी मटेरियल है जो उनका वरासती मादा है वो क्या है वो डीएनए है यहां पे अगर आप अपने सामने देखें तो इस डायग्राम में ये जो आपको डुप्लेक्स नजर आ रहा है ये क्या है ये डीएनए डुप्लेक्स है और म्यूटेशन में होता क्या है कि ये जो डीएनए डुप्लेक्स होता है ये डैमेज हो जाता है अब जब ये डीएनए डुप्लेक्स जो है ये डैमेज हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि ये म्यूटेशन हो गई है यहां पे अगर आप देखें तो ये वाला जो इसका पार्ट है जहाँ पे एरो दिखाया गया है इसका ये वाला हिस्सा जो है ये वाला पार्ट जो है ये और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको दिखाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर की हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो पेयरिंग होती है ये इसके अंदर मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस होती है जो कि खास सीक्वेंस में लगी होती है यहाँ पे जो है ये कलर से शो किया गया है अगर आप इस साइड पे इस डायग्राम में देखें तो ये जो कलर है जो मुख्तलिफ कलर है वो इस तरह से नाइट्रोजन स बेसिस को शो करती है और वो कौन सी होती है ये चार की होती हैं चार होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं हैं जी से गोवान और टी जो है तो ये जो है, इसका पेयरअप जो है, वो के साथ होता है और साइटोसिन उसका पेयरअप है वो गोवानिन के साथ होता है अब अगर यहाँ पे अगर हम यह जो ग्रीन कलर है इसे हम देखें तो यहाँ पे जो पर्पल कलर है ये ए होगा लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जब म्यूटेशन हो गई है यानी कि जब ये सीक्वेंस चेंज हो गया है तो यहां पे जो है पर्पल कलर की जगह रेड कलर आ गया है और ये जो रेड कलर है ये सी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है इसका मतलब है कि यहां पे इसको नहीं आना चाहिए था और ये इसके अंदर चेंज हो गया है और ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज है और ये चेंज क्या है इसके सीक्वेंस के अंदर हो रहा है इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है म्यूटेशन स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो टाइटल है इसमें वर्ड म्यूटेशन जो है इसका क्या मतलब है म्यूटेशन कहते हैं चेंज को और ये चेंज किसके अंदर होता है ये होता है क्रोमोसोम के अंदर यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर जब चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये क्रोमोजोमल म्यूटेशन है अब अगर हम बात करें क्रोमोजोम्स की क्रोमोजोम्स कहाँ हैं और क्रोमोजोम जो हैं ये क्या चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं वो मिलकर बने होते हैं सेल से और अगर हम बात करें सेल की तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोजोम्स और इन क्रोमोजोम्स के अगर हम बात करें तो इनके अंदर वरासी मादा मौजूद होता है जो कि है डी अब अगर हम इन क्रोमोजोम्स की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर इन क्रोमोजोम का एक खास नंबर होता है

क्रोमोजोम के नंबर है अब जब ये नंबर चेंज होगा तो हम कहेंगे है. अब ये जो होती है, जिसकी से ये वो तरीके हैं अगर हम उनको देख लें कि वन बाय वन वो कौन से तरीके हैं जिसके जरिए क्रोमोजोम का नंबर चेंज होता है तो सबसे पहले जो है वो है डिलीशन डिलीशन में क्या होता है अगर हम यहाँ पे अपने सामने देखें तो यहाँ पे डिलीशन जो है वो दिखाई गई है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने समझ के लिए यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा हुआ है ये अल्फाबेट्स हमने शो किए हैं ताकि हम देख सकें कि कोई चीज अगर कोई पार्ट जो है वो निकल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये डिलीशन हो गई है अब डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोजोमल सेगमेंट यानी कि क्रोमोजोम का कोई हिस्सा जो है वो इसमें डिलीट हो जाता है रिमूव हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कलर किया गया है जो कि जिसको हमने शो किया है कैपिटल डी से ये वाला पार्ट जो है डिलीशन के बाद इसके अंदर रिमूव हो जाता है इस तरीके से क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं हैं कि चेंज हो गया है तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो इसे भी हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर कंसिडर करते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें डुप्लीकेशन की तो डुप्लीकेशन कहते हैं डबल होने को यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सेगमेंट होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं यहां पे ये यह जो दो सेगमेंट हैं जिसे हमने कैपिटल बी और कैपिटल सी से शो किया है ये क्रोमोजोम पूरा है और ये इसका सेगमेंट है बी और सी और डुप्लीकेशन जब हो जाती है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बी सी जो है ये एक दफा है और फिर उसके बाद बी सी जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा है और इस रिपीटेशन की वजह से ये क्या हो गया है ये डुप्लीकेट होगा है और इसको हम कहते हैं कि ये डुप्लीकेशन की वजह से क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है तो क्रोमोजोम के अंदर म्यूटेशन हो गई है इसी तरीके से इन्वर्जन जो जो है है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमने जो है ये हमने अल्फाबेट खास में लिखे हैं इनका एक खास सीक्वेंस है अब यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो कैपिटल बी है फिर कैपिटल सी है और फिर कैपिटल डी है अब इन्वर्जन में क्या होता है कि ये जो इसका सेगमेंट का जो तरतीब है वो चेंज हो जाती है रिवर्स हो जाती है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो कैपिटल डी आ गया है सी जो है वो यहीं पे मौजूद है और कैपिटल बी जो है वो अब एंड पे मौजूद है इसका मतलब है कि जो इसका सीक्वेंस था क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट्स हैं उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है और जब इसका सीक्वेंस चेंज हो गया तो ये जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था जिसमें ये इस तरतीब में मौजूद थे वो चेंज हो गया है और जब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है यहाँ पे क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो रही है अब अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की तो फोर्थ टाइप जो है वो है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलोकेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोजोम का एक अगर हम उसके सेगमेंट की बात करें तो वो जो है वो मूव हो जाता है क्रोमोजोम का जो दूसरा हिस्सा है जो कि जिसे कहा जाता है नॉन होमोलोगस वन उसके साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो गया है यानी कि इनके अंदर आपस में जो है वो एक्सचेंज हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच जो है वो इस क्रोमोजोम पे दिखाए गए हैं और अगर आप दूसरे क्रोमोजोम की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो क्रोमोजोम है ये दूसरा म है अभी अगर आप इसको नंबर देना चाहें तो अगर आप ह्यूमन्स में कंसिडर करें तो ये जो है ये क्रोमोजोम टू है और ये क्रोमोजोम वन है अब ये क्रोमोजोम जो है ये अलग अलग है इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि ये नॉन होमोलोगस हैं आपस में नॉन होमोलोगस जो है अगर हम इनकी बात करें तो इसमें यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके अल्फेबेट जो है वो अलग दिखाए गए हैं ये कैपिटल एम कैपिटल एनओ P, Q, N, R. और इनके जब आप यहां पे देखें तो ये इनके अंदर जो है इनके सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं यहां वाला जो क्रोमोजोम था इसके पास जो है ये इस क्रोमोजोम के सेगमेंट आ गए है और इस क्रोमोजोम के पास ये जो दूसरा क्रोमोजोम था इसके सेगमेंट आ गए हैं इस तरीके से जब सेगमेंट जो है वो मूव कर जाते हैं दो अलग क्रोमोसोम्स के आपस में जो है वो चेंज हो जाते हैं या एक्सचेंज हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन है और ट्रांसलोकेशन की वजह से भी क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन होती हैं और अब अगर हम बात करें कि ये जो म्यूटेशन है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर आती हैं इनकी वजह से होता क्या है अगर हम ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस के अंदर जब क्रोमोजोम का नंबर चेंज होता है या क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर चेंज होती है तो उसके अंदर जो है उसकी वजह से ह्यूमस के अंदर डिजीजेस हो जाती हैं अब अगर हम वन बाय वन देख लें कुछ ऐसी कॉमन डिजीजेस को जो कि क्रोमोजोम्स से रिलेटेड हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाउन डाउन सिंड्रोम की यहां पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहां लिखा है डाउन सिंड्रोम केरियोटाइप केरियोटाइप कहते हैं जो क्रोमोसोम्स की पूरी जो टोटल नंबर ऑफ क्रोजोम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है उनकी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें कि वो किस तरतीब में तो उसे हम कहते हैं कि ये उनकी कैरियर है और यहां पे जो है ये डाउन सिंड्रोम की कैरियर दिखाई गई है और डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है तो इस ये जो डिजीज है इसमें क्रोमोजोम नंबर जो ट्वेंटी है वो अफेक्ट होता है यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमने यहाँ पे स्क्वेयर बनाया है और यहां पे ट्वेंटी के नीचे लिखा हुआ है ट्राइसोमी अब ये जो ट्रा, ट्राइसोमी होती है डाउन सिंड्रोम के अंदर इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी इंडिविजुअल होता है जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम की और पार्शल तो भी हो सकती है, और भी हो सकती है. और का क्या मतलब है? कि अगर हम यहां पे बड़े वाले क्रोमोसोम से समझ लें नंबर क्रमोजोम का ट्वेंटी वन होगा लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम इस क्रोमोजोम वन की तरफ आ रहे हैं कि यहां पे अगर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये फुल क्रोमोजोम दिखाया गया है और अगर इसका हाफ हो यानी थोड़ा सा पोर्शन हो तो हम उसे कहेंगे कि ये पार्शल है और अगर पूरा हो तो हम इसे कहेंगे कि ये फुल है इस तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर 21 है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैसे यहाँ पे दो होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे एक कॉपी जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद है और जब ये एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो डिजीज़ है वो है डाउन सिंड्रोम और अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि किसी ह्यूमन के अंदर किसी इंसान के अंदर जो है वो डाउन सिंड्रोम है तो उसके जो अपेयरेंस है वो कुछ चेंज होती है और अगर हम उसकी अपेयरेंट की बात करें कि वो किस तरीके से होती है उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं तो यहाँ पे हम अपने सामने लिस्ट आउट कर लेते हैं कि उनकी जो चेन होती है वो स्मॉल होती है और अगर हम उनकी आइज़ की बात करें कि उनकी आइज़ कैसे होती हैं तो उनकी आइज़ जो होती हैं वो स्लेंटेड होती हैं यहां पर अगर हम अपने सामने एक डायग्राम रख लें तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो सामने बच्चा है इसकी जो आइज़ हैं ये थोड़ी सी इसे आप कह सकते हैं तिरछी होती हैं या थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं इस तरह की जो आइज़ होती है उन्हें कहा जाता है ये

अगर हम बात करें तो काउंसलिंग होती है और सर्जरी करवाई जाती है ये जो तीन तरीके हैं इनसे ये जो डाउन सिंड्रोम है ये डिजीज जो है ये कंट्रोल की जा सकती है और अगर हम बात करें कि ये जो क्रोमोजोम था क्रोमोजोम ट्वेंटी वन इसमें ये एक्स्ट्रा कॉपी आई कहाँ से अगर हम इसकी बात कर लें तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है वो किस वजह से होती है वो है नॉन डिसजंक्शन के फिनोमिना की वजह से अब नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम जो है नॉन डिसजंक्शन जो क्रोमोसोम में होती है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब मियोसिस होती है मियोसिस जो है अगर हम इसकी बात करें तो मियोसिस कहते हैं सेल डिवीजन को और सेल डिवीजन जब होती है उसमें जब सेल डिवाइड करता है तो मियोसिस के जरिए जो है वो फोर डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं और इस मियोसिस में होता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम है होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब है कि ये एक जैसे क्रोमोजोम है जो कि पेयर अप होते हैं अब नॉर्मली जो है वो ये प्रोसेस होता है कि उसमें क्या होता है कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं के बाद दोबारा से डिवीजन होती है और ये दोबारा से ये वाले क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और हर जो फोर डॉटर सेल बन रहे हैं हर एक के पास एक एक क्रोमोसोम जो है वो आ जाता है लेकिन नॉन डिस्टंक्शन में क्या होता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पहले तो सेपरेट होते हैं लेकिन जब उनकी सेकेंड स्टेज आती है जब फोर डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं तो उसमें से यहां पे जो है ये जो इनका फेलियर हो जाता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट नहीं हो पाते और जब ये सेपरेट नहीं हो पाते तो एक जगह जो है वो नहीं आएंगे एक डॉटर सेल में और दूसरे में जो है वो एक्स्ट्रा कॉपी चली जाती है और इस तरीके से एक्स्ट्रा कॉपी जो है हम कहते हैं कि सेकेंड है। से तो से है? है से। डिजीज की तो सेकंड जो डिजीज है वो है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहां पे भी क्रोमोजोम दिखाए गए हैं और ये जो लास्ट क्रोमोजोम है जिसे हम कहते हैं ट्वेंटी थर्ड नंबर ऑफ क्रमोजोम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्स वाई अब ये जो सिंड्रोम है या ये जो डिजीज़ है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि ये वरासती बीमारी है एक और ये वरासत में शामिल होती है यानी कि अगर पेरेंट्स को है तो ऑफस्प्रिंग को चांसेस होते हैं कि ये डिजीज हो सके और उसमें अगर हम बात करें कि ये मेल या फीमेल्स में से किसको ज्यादा अफेक्ट करती है तो सबसे ज्यादा ये मेल्स को अफेक्ट करती है और अगर हम बात करें कि मेल्स के अंदर नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं जो ट्वेंट जो ट्वेंटी थर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अगर हम उसकी बात करें तो हम मेल्स के अंदर वो क्या होता है कि उसके अंदर जो है एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक जो है वो वाई क्रोमोसोम होता है नॉर्मल मेल जो है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है लेकिन जब क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक्स क्रोमोजोम की जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है और वाई क्रोमोजोम जो है वो इसी तरह से एक जो है वो मौजूद होता है इस तरीके से जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम की कॉपी आ जाती है तो हम उस क्या कहते हैं हम कहते हैं कि इसके अंदर जो डिजीज़ है वो क्या है वो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में अगर हम बात करें म्यूटेशन की तो म्यूटेशन जो वर्ड है उसका मतलब है चेंज और ये चेंज जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये किसके अंदर होता है तो क्रोमोसोम्स के अंदर जब चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं कि यह क्रोमोजोमल म्यूटेशन है और क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम्स जो है ये क्या चीज़ है कहाँ पे मौजूद होती है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमें पता है कि ये सेल से मिलकर बने होते हैं और अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोजोम्स और इन क्रोमोजोम्स के अंदर वरासती मादा मौजूद होता है मटेरियल मौजूद होता है जिसे कहा जाता है डीएनए यहां पे अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स जो हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका एक खास यानी कि स्पेसिफिक नंबर होता है और उससे अगर इस नंबर से ये नंबर जो है कम या ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्रोमोजोमल म्यूटेशन हो गई है यहां पे जब अगर आप अपने सामने देखें तो यहां पे ह्यूमन क्रोमोजोम दिखाए गए हैं और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूम्स के अंदर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं पेयर के अंदर अगर हम बात करें तो ट्वेंटी थ्री होते हैं लेकिन अगर हम पेयर

सबसे पहली जो डिजीज़ थी वो थी डाउन सिंड्रोम जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 से रिलेटेड थी इसके अलावा जो है वो हमने देखा था कि क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम जो है वो भी जो है वो अगर उसके अंदर क्रोमोजोम नंबर जो है वो चेंज हो गया था तो उसकी वजह से क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम जो हो, हो गया था इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड डिजीज की या थर्ड सिंड्रोम की तो जो थर्ड डिजीज़ है वो है टर्नर सिंड्रोम ये जो डिजीज़ है अगर हम इसकी बात करें कि ये ज़्यादातर ह्यूमंस में किसको अफेक्ट करता है तो ये ज़्यादातर जो है ये फीमेल्स को अफेक्ट करता है और ये फीमेल्स के अंदर ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होती है अब अगर हम नॉर्मल फीमेल्स की बात करें तो जो नॉर्मल फीमेल है उनके अंदर जो ट्वेंटी थर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है अगर हम उसकी बात करें तो ट्वेंटी थर्ड नंबर ऑफ क्रोमोजोम में उसके पास दो एक्स होते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको क्रोमोजोम्स दिखाए गए हैं ट्वेंटी टू क्रोमोजोम्स ये हैं उसके बाद यहाँ पे ये सेक्स क्रोमोजोम है और नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो है यहाँ पे दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है वो सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम दिखाया गया है जब अगर किसी फीमेल के पास जो है वो एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग हो या यानी कि या तो पूरा पार्ट जो क्रोमोसोम का एक्स है वो मिसिंग होगा या उसका थोड़ा सा हिस्सा मौजूद होगा और बाकी पार्ट मिसिंग हो तो हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है एक्स क्रोमोसोम के मिसिंग होने की वजह से टर्नर सिंड्रोम जो है वो डिवेलप हो गया है और अगर हम बात करें कि ये जो एक्स क्रोमोजोम है जो जो एक एक्स क्रोमोजोम मिसिंग हो जाता है उसकी वजह से अफेक्ट क्या होता है उसकी वजह से अफेक्ट क्यों होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं होते और अगर हम बात करें इनकी साइंस एंड सिम्टम्स की यानी कि क्या क्या अलामत हैं जो टर्नर सिंड्रोम होता है तो फीमेल्स के अंदर क्या क्या इसके सिम्टम्स होती हैं तो उनको हम अपने सामने लिस्ट आउट कर लेते हैं अब लिस्ट आउट जो है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले जो है वो अगर हम उनकी पर्सनैलिटी की बात करें उनकी अपेयरेंस की बात करें तो उनका जो कद होता है जो उनकी हाइट होती है वो छोटी होती है और उसके लिए क्या लिखा जाता है उसके लिखा लिए लिखा जाता है कि वो शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अंदर लेम्फोडिमा होता है। लेम्फोडिमा कहते हैं स्वेलिंग को और इस स्वेलिंग में होता क्या है यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये जो है ये बताया गया है कि ये लेम है यानी कि इसमें क्या होता है हैंड और जो फीट हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ फीट की स्वेलिंग दिखाई गई है लेकिन इसी इस तरीके से जो हाथ होते हैं वो भी फूल जाते हैं उनके ऊपर भी स्वेलिंग आ जाती है इसके अलावा अगर हम बात करें तो लो हेयर लाइन लो हेयर लाइन का मतलब है कि जो इन अगर आप बात करें तो आईब्रोज से जो ऊपर वाला एरिया होता है और जो बालों के बीच का एरिया होता है उसे कहा जाता है हेयर लाइन और ये हेयर लाइन जो है वो लो हो जाती है इसके अलावा होता है कि जो वेट है वो बढ़ जाता है और जब वजन बढ़ता है तो उसकी वजह से मोटापा हो जाता है और जब मोटापा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये हो गई है इसके अलावा अगर हम बात करें नेल्स की तो इनके जो फिंगर के नेल्स होते हैं यानी कि जो जो इनकी जो उंगलियां हैं उनके जो नेल्स होते हैं उनका साइज जो नॉर्मल फीमेल के फिंगर के नेल्स का साइज होता है उससे स्मॉल होता है ये जो सारी साइंस एंड सिम्टम्स जो हमने देखी है ये किसके अंदर होता है ये होती है टर्नर सिंड्रोम के अंदर और इस अगर हम बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट जो है उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एक हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है और वो हार्मोन क्या है वो है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट दी जाती है और एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट से क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो डिवेलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम है जिसकी वजह से क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज़ है और इसकी वजह से जो फीमेल के जो फीमेल ट्रेड्स हैं उन पर अफेक्ट होता है तो हम जब इन ईस्ट्रोजिन देखते हैं तो उसकी वजह से फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो दोबारा से डिवेल्प होने स्टार्ट हो जाते हैं और जब दोबारा से फीमेल कैरेक्टर्स डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम है जो डिजीज़ हो रही है वो ओवरकम हो रही है या वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है